और वहां पे ये ला लो, पहले तो ये मुर्रा जोटो में फर्स्ट आया, हाँ जी, फिर मुर्रा सारी ब्रीड में चैंपियन, अच्छा, और फिर ऑल ओवर मेला चैंपियन, ऑल ओवर मेला चैंपियन। तो ये आप दोस्तों देख सकते हो, इंदर अछेड़ी की जो आप वीडियो चाहते थे वो आज भगवान की दया से भाई करमबीर सर के पास पहुंचे थे, तो ये बुल भी इधर आया हुआ था सीमन के लिए। आपको खुशी होगी कि आपके चैनल पे पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा। डॉक्टर साहब देखो, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो भाई पहली बार करमबीर सर ने दी है, शायद ही किसी ने ऐसे पहले कभी नहीं दिखाया होगा अपने बुलों की जानकारी। और आप ये अपना आप ले रही, अपने आप से दिन के लिए देखो तो ये देखो भाई शब्द की स्पीड देखो, मतलब ये देखो कितनी तगड़ी स्पीड है। तो यही होता है। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मोरा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं भाई। आज की वीडियो ऐसी स्पेशल होने वाली है, ऐसी शानदार होने वाली है, क्योंकि पहली बार एक आप लोगों को जिस चीज का आप सीमन यूज करते हो, जिस बुल का सीमन यूज करते हो, आज आप उसको कैसे सीमन उसके प्राप्त होते हैं और कैसे उसका सीमन लिया जाता है जिस पर आप पूर्ण विश्वास कर सकते हो, और वो बुल को आज मैं दिखाऊंगा। आप समझ चुके होंगे पहले ही कि मुजफ्फरनगर का जो चैंपियन था, जो इंडिया का टॉपर जो बुल रहा है आज, उसकी कैसे उसका सीमन लेते हैं और कैसे उसकी रेट रहती है, ये सारी चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा। और जो आपका चेता बुल है मुजफ्फरनगर का जो चैंपियन बुल, जिसको आपका इंतजार था कि हम उसको देख सकें, देख खाली देखना देखना नहीं, देखा देखना तो आपने मेले में भी था, लेकिन आज उसको सीमन देते हुए भी मैं आप लोगों को कवर करके दिखाऊंगा। और करमबीर सर के फार्म पे पहुंचे हैं, जिनके पास वैसे तो काफी संख्या में एक से बढ़कर इंडिया के टॉपर बुल हैं, युवराज से लेकर योगराज तक, और योगराज से लेके भाई ये सुरवीर तक, और सुरवीर से लेके चांदवीर से, और चांदवीर से भोला तक, हर बुल की मैं आज पूरी डिटेल आप लोगों को देखने को मिलेगी। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार। और जी भाई साहब ठीक ठाक हो? ये देख लें दोस्तों भाई, तो जो आपका चेता बुल था सुरवीर, आप लोगों ने उसको देखा कि कैसे वो सीमन देता है और कितना उसका जंप है, युवा बुल है और कितनी एज है, ये सारी बातें तो करमबीर सर से ही लेंगे, क्योंकि भाई मेरे को पूरी डिटेल का पता नहीं है। नमस्कार जी भाई। नमस्कार। और जी भाई बढ़िया? हाँ बढ़िया। तो भाई जी, आपने जो आपका चेता बुल है सुरवीर, और पूरे भारत का ही चेता है, क्योंकि आपने जो मुजफ्फरनगर में इसने भाई जीत के जो परचम लहराया, और सभी ने, बहुत बड़ा मेला था वो, अच्छा उसका मेला भी बहुत अच्छा लगा और काफी भीड़ भी थी और काफी सफलतापूर्वक उसको मेले को कराया गया, तो उसमें ये पूरा ब्रीड चैंपियन रहा था, है जी, मेला चैंपियन, मेला चैंपियन, तो मेला चैंपियन रहा। तो ये इसकी एज कितनी होगी जी? इसकी इसकी एज लगभग 4.5 साल, लगभग 4.5 साल। तो इसका फादर कौन है? इसका फादर है योगराज। योगराज। और मदर? माँ इसकी गंगा, माँ गंगा, जो अपने युवराज की माँ है, वही उसी का बेटा, उसी का बेटा है। अच्छा। और पिछले 16-17 साल के बाद जी सेंटर गवर्नमेंट ने मेला लगवाया था। हाँ जी। बहुत बड़ा मेला था जी, मेला भी था, मेले का प्रबंध भी बहुत अच्छा, प्रबंध भी बालियान साहब ने बहुत पूरा, हरियाणा तो उनको धन्यवाद करता है, हरियाणा में भी मेले हाँ। मिलता रोटी की तो दूर की बात है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कितनी टाइम बढ़िया रोटी, बढ़िया पानी, हाँ पंखे की व्यवस्था, धुएं की व्यवस्था, पंखे कूलर, मतलब कोई कमी नहीं थी बिल्कुल, यानी बरात को भी विदा होने के बाद कोई खाना नहीं खिलाया। वाह जी वाह। शाम के टाइम मेला खत्म होने के बाद भी सबको बोला भी खाना खा के जी, खाना खा के, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था। ये पैसे या कुछ मिल गया वो बात अलग है, उसको बड़ी मैंने नहीं रखती, ठीक बात, आदमी का आदर, मतलब मेला था वैसे किसानों का बहुत ही आदर मान किया गया और बहुत फेयर मेला हुआ था जी। बहुत से लोग तो कहते हैं जो सेटिंग वाले हैं, इसने सेटिंग कर ली, फलानी कर ली, बाकी बिल्कुल फेयर मेला था, बिल्कुल फेयर, हम बिल्कुल ईमानदारी से कह रहे हैं, हमने नहीं पता था जो ये ट्रॉफी रखी थी किसको मिलेगी। हाँ 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 सही, कारोबार पे खड़े कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल फेयर मेला था। और वहां पे ये ला लो, पहले तो ये मुर्रा जोटो में फर्स्ट आया, हाँ जी, फिर मुर्रा सारी ब्रीड में चैंपियन, अच्छा, और फिर ऑल ओवर मेला चैंपियन, ऑल ओवर मेला चैंपियन भी रहा। तो इसका शरीर भी अगर हम बात करें तो कितना अच्छा, और टेस्टिकल से लेके शरीर की बनावट कचा कचा, थोड़ा अभी मेले से तो कुछ कमजोर तो नजर आ रहा है, डिमांड ज्यादा है सिमनों की लगता है? नहीं, डिमांड तो है, कमजोर तो नहीं है। अच्छा। थोड़ा खाए पिए नहीं इसने, हाँ खाए पिए अगर ठीक हो जाएगा बढ़िया है, ब्रीडिंग बुल के ऊपर मास नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, मास बात समझा रहा, किसानों ने भी समझा रहा,
अगर जितना मास होगा हाँ जी बुल का सिमन अच्छा नहीं आएगा जी, डेड सप्रन ज्यादा आएंगे, डेड सप्रन ज्यादा आएंगे। और मैं इसके ऊपर तो बिल्कुल ही फैट नहीं होनी चाहिए, मैं इसके ऊपर तो बिल्कुल ही फैट। ये किसानों भाई सुनने की बात है भाई, जो भैंस फैटी होगी सब किसानों भाई तजर्बा करके देख लो, पूरे पिक दूध पे आएगी, पूरे पिक दूध। नॉर्मल शरीर रखो, उसको ब्याने के बाद जब वो मेला चल जाए उसको जितनी मर्जी खुराक दो जी। और ब्याने से पहले बहुत से लोग उसको झूठा बनाए ना, इतना मोटा हाँ जी ठीक है ना, मेरी का इतना वजन है, अगर मेरी का इतना वजन है क्या, अगर ज्यादा वजन होगा तो जैसे इसने माउंट करे देखो ना, महा माउंट करे तो बुल सही तरीके से माउंट नहीं कर सकनेगा बिल्कुल। तो इसमें क्या देखा जाता है जी, मैं जो जो टेगे हम ये लेते हैं सिमन, सिमन में तो इसकी सरप्रेंज क्वांटिटी, सरप्रेंज क्वांटिटी कितना स्पीड से दौड़ रहा है वो, कितनी स्पीड से दौड़ लंगड़ा लुंगड़ा ना हो, गोल गोल ना हो, तो ये भी देख सकते हैं जी, आपको दिखाएंगे अब थोड़ी देर में सारा कुछ दिखाएंगे। तो ये देखो भाई, आप ये मान सकते हो कि पहला ऐसा चैनल है मैं जो इतनी बढ़िया जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो सूरवीर को देखा और जैसा सर ने नाम टेका है ना सूरवीर, ऐसे ही मतलब वीरों का वीर है भाई, और उसका जो सपंच भी देखा आपने लेते हुए, और उसका जो क्या क्या देखते हैं भाई वो भी मैं आज खुद करमवीर भाई का सिमन बैंक है और उसे आपको ये जानकारी प्राप्त हुआ। मेरा ये प्रयास रहता है हमेशा कि मैं किसानों के लिए एक से बढ़कर एक बड़ी जानकारी लेके आऊं जिससे मेरा पशु पालक सीख सके। और इसकी माँ का रिकॉर्ड का आपको पता ही चल गया भाई, गंगा जो युवराज की भी माँ थी और सूरवीर की भी माँ थी, और जो बड़ा बुल है जो करमवीर सर के फार्म पे है योगराज उस इसका बाप है। तो मतलब अगर बर्ड लाइन की बात करें तो भाई बोलते हैं एक बुल पालने वाले के मेरी लाइन ले मेरी लाइन, दूसरे का पता नहीं होता, उसकी माँ कहीं मिलती है उसका बाप कहीं मिलता है, लेकिन आज एक ऐसा फार्म है इंडिया का अगर मैं कह सकूं तो नंबर वन फार्म जिससे पूरी पीढ़ियों तक का रिकॉर्ड आप देखने को मिल सकता है। तो ये जो करमवीर सर की जो मेहनत का रिजल्ट बोल सकते हो आप, जिन्होंने इतना बड़ा नाम किया और उसी नाम के लिए सर ने भाई ये करी है कि किसान साथियों को जो भी पौधे के ओरिजिनलिटी के साथ हम लैब में पूछे हैं, और पहली बार आपको खुशी होगी कि आपके चैनल पे पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा। दिखाइए डॉक्टर साहब, सूरवीर का दिखाइए जी। तो सूरवीर का आपको डायरेक्ट मतलब ये दिखाया जाएगा सरपंच का, तो जिससे आप अपना प्राप्त करके सके इनके ऊपर, और कितनी तेजी से दौड़ता है ये, ताकि आपको ये पता चल जाए जो आपका मुजफ्फरनगर का चैंपियन जो बुल था, आप उसका जो सिमन लेते हो कि कितना तगड़ा उसका कंसीव रेट है। बस इसी पर लगा। ये देखें जो जी, ये बीच में एकाधे जो बड़े हैं ये क्या है ना जी, थोड़ी डस्ट आ जाए, अच्छा डस्ट आ जाता है। और ये देखो भाई, ये कितने एक बार में कितने सिमन लगभग देता है डॉक्टर साहब? डबल कलेक्शन को हो जाए 500-600, 8 ml तो कितने सिमन तैयार हो जाते हैं इसे? लगभग 150-200 डबल कलेक्शन के 500 के करीब, डबल 500 के हो जाते हैं। ये देखो तो ये देखो भाई सपंच की स्पीड देखो, मतलब ये देखो कितनी तगड़ी स्पीड है। तो यही होता है कि मतलब जो अपने व्यास के एआई करते हैं तो उसको उतनी स्पीड से बच्चादानी में प्रवेश कर पाता है। तो इसको सिमन की मोटिलिटी बोलते हैं। हाँ जी आप बताएं, देखो इसके छोटी लाइक मिनट रो, युवराज की दिखाओगे आज तक 1000 बुलों में मेरे युवराज का लगाया थी वो, हाँ एक ड्रो मैं पहचानने वाले सिमन उसका देखो आप कितना क्लियर सिमन। ये खुराक की भी बात हो ना, बुद्धे काले जो हाँ। उनका क्या सीन मनाएगा, क्या सीन मनाएगा, हाँ सारा दिन खुराक खावा बड़ी है उधर, हाँ मशीन से भी सीन कर देख रहे हैं मोहित, ऐसे सीमन जाता है ऐसे, ये ऑटोमेटिक है, मिनी ट्रूब की 70 लाख रुपए की कीमत है हुआ जी, सौदा भी तना का, हाँ ये अपने आप ले रही है, अपने आप से लिंक कर रही है, नजदीक से दिखा दीजिए, ऐसे शटरा तैयार होते हैं दोस्तों। आपने ये खुशी मिलेगी कि पहली बार ऐसे आपने हर चीज जो बुल से लेके उसकी मदर से लेके उसके फादर तक लेके और कैसे उसको सीमन के जो कंसीव रेट है और कैसे उसकी स्पीड है, हर चीज को मेरा प्रयास रहा कि आप लोगों तक पहुंचा सकूं और मेरा किसान जागरूक बन सके और अपना पशुधन अच्छा तैयार कर सके। ये
सिमन गोल गोल नहीं घूमना चाहिए, समझे ना, जितना सीधा जाएगा किसी भी दिशा में जाओ, ऐसे जाओ वैसे जाओ, स्पीड देखो उसकी उतनी ज्यादा उसका मतलब कंसीव ज्यादा। देखो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो भाई पहली बार करमवीर सर ने दी है, शायद ही किसी ने ऐसे पहले कभी नहीं दिखाया होगा अपने बुलों की जानकारी, और आप विश्वास भी कर चुके होंगे, इस बात का पता भी चल चुका होगा, जहां गलतियां होती हैं आपकी खुद की कमी होती है या डॉक्टरों की कमी होती है या सीमन बैंकों की कमी होती है, जिससे आप ऐसे बुलों का रिजल्ट नहीं प्राप्त है, 85-90% रिजल्ट आए। हाँ कोशिश है, बुलों का कंपटीशन तो यही है। हाँ हमारी कोशिश ये रहेगी सिमन भी लोगों से बढ़िया बने, सिमन भी लोगों से बढ़िया, समझे ना जी, किसी का अच्छा बुरा नहीं करना, हम सोच रहे भी हमारा कम से कम 80-90% रिजल्ट। अच्छा 80-90%। आप सिमन देख रहे, सिमन की क्वालिटी देख रहे जी, जिस भी हम होलसेलर को देते हैं सब बुलों का चेक करा के सब उसको सिमन देते, ऐसे नहीं ले डाल दिया, एक एक सटरा हर बुल की काट के उसको चेक कराते हैं, चेक कर कल ये ना कहे भी तेरी गलती, आगे तू कैसे संभालेगा कांच की चूड़ी, कैसे संभाल, इसको माड़ा शौक लग गया, गैस कम रहेगी, ज्यादा देर बाहर रह गया तो इसको शौक लग जाता है, इसके बहुत संभालने की चीज है। देखो ये भी सर ने कितनी अच्छी बताई है कि सिमन आप जब भी लेके जाते हो तो उसको गैस की क्वालिटी भी देखना, भाई कितनी गैस रही, उसी हिसाब से आप अगर आप सारी चीजों को देखोगे तो आप उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल दूध की लाइन का अच्छा है, इसकी छाती भी भारी है ना, निकाल दे। हाँ हाँ राम ते तार लेकर ले भाई, जो भाई रिछेड़ी बुल की आप लोग कहते थे भाई, आकर उसकी भी वीडियो कवर करके दिखाओ, काफी अच्छा बुल है, और जो करमवीर भाई के पास आया हुआ है सिमन के लिए सिमन सेंटर में, और आप उसका देख सकते हो जो कैसे सीमन प्राप्त कर सकते हैं, और इसकी कैसे डिटेल है भाई, देख मेरे को भी पता नहीं है क्योंकि मैं भाई से मिला नहीं हूं, लेकिन आप लोगों की भी डिमांड थी कि उस बुल की भी आप वीडियो करके कवर करके दिखाओ, और जो पूरी डिटेल है भाई से अभी है नहीं, लेकिन करमवीर भाई हैं जो इसके बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार जी, करमवीर। नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को राम राम। ये इंदर नाम का बुला है और इसका मालिक है गुरदान रछेड़ी, गुरदान रछेड़ी, जिसका गांव नारायणगढ़ के पास पड़ता है, नारायणगढ़ के पास। इसका जो सिमन है बन रहा मेरे यहाँ पे सिमन बैंक पे, और मिलेगा उसी के घर से भाई। सिमन कहने का मतलब सर ने क्लियर कर दिया कि सिमन इधर के लिए भेज रखा है जोटा, और सिमन जो मिलेगा उनके फार्म पे ही मिलेगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनका नंबर फोन नंबर दे देंगे, नंबर मैं निकाल तो अच्छा फोन नंबर भी अभी देते हैं भाई निकाल के, और अच्छा बोला तो उसमें ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे हो जाएगा। और इसकी माँ का रिकॉर्ड क्या है जी? 25 से प्लस है, 25 प्लस रहा है, जो रोहतक के पास कुछ गांव है। हाँ जी, अच्छी भैंस का बच्चा है, और जो मेरी भैंस है पार्वती उसकी कटिया ले गया था, वो उसके दो थन खराब है गए थे। अच्छा, उसने अगले दो थनों में 12 किलो दूध दिया, जो एक रिकॉर्ड है। अच्छा अच्छा, अगले सिर्फ दो थनों में 12, और इसका बच्चा है वो मैंने अभी भाई से लिया है। अच्छा, भाईचारे में ही। अच्छा अच्छा, सीधा ले लो। हाँ हाँ, तो भी वो भी पार्वती लाइन से गया इधर से, ये इधर खली से। खली लाइन होगी, और वो भैंस भी बहुत अच्छी है उधर से। अब उस बंदे ने मेरे योगराज का वन का बच्चा तैयार करने लग रहा है उसी भैंस से। अच्छा, तो बहुत ही बढ़िया बच्चा तैयार करने लग रहा है। अच्छा, अच्छी दूध की भैंस है जिसका ये बच्चा है। तो ये आप दोस्तों देख सकते हो बुल को भी, इंदर छेड़ी की जो आप वीडियो चाहते थे वो आज भगवान की दया से भाई करमवीर सर के पास पहुंचे थे, तो ये बुल भी इधर आया हुआ था सिमन के लिए, और आप उसका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, और भाई से भाई सिमन इस प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त कर लेना। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।